देखिए हमारे पास बेसिकली जो गाड़ी स्टार्ट है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट है एंड हमारे पास 20 लाख तक की भी गाड़ियाँ अवेलेबल है। सुन लो 8,40,000 रुपए में 2018 की। ये लो भाई हर जगह निचोड़ हो रहा है 3,25,000 रुपए में। कार केंद्र यूट्यूब चैनल के सभी व्यूअरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शास्त्र का आदाब। तो आज हम गाज़ियाबाद के एक ऐसे डीलर के पास आ चुके हैं जिनके पास आपको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम बजट से मिल जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं सीधा डीलर से बात, जो ओनर है यहाँ के, और बात कर लेते हैं उनके पास आज कितने से स्टार्ट होने वाली है और कौन कौन सी गाड़ियाँ होने वाली हैं। सो भैया हाय, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, कैसे? बस बढ़िया भैया। ये बताइए आपके पास जो आज का कलेक्शन है गाड़ियाँ कितने से स्टार्ट होने वाली है और कितना एंड होगा? देखिए हमारे पास बेसिकली जो गाड़ी स्टार्ट है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट है एंड हमारे पास 20 लाख तक की भी गाड़ियाँ अवेलेबल है। सही सुना आपने, 1 लाख से स्टार्ट है और लास्ट जो प्राइस होने वाला है 20 लाख। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा भी आ सकता है और जो बंदा अच्छे खासे रकम कमाता है वो भी आ सकता है। कोई यहाँ से निराश होकर नहीं जाने वाला, चाहे उसकी सैलरी 10,000 हो चाहे 20,000 हो। ब्रदर एक चीज़ और बता दीजिए, यहाँ पे कार लोन फैसिलिटी या बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा AU बैंक, IDFC फर्स्ट, ICICI बैंक, हर बैंक के सारे हमारे फाइनेंशियल पार्टनर हैं। जो बैंक से बोलोगे उस बैंक से हमारा फाइनेंस होगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और विद इन 24 आवर्स हम गाड़ी फाइनेंस करवा देते हैं। और एक चीज और ब्रदर, गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है यहाँ से? बिल्कुल सर, बिना ट्रांसफर तो गाड़ी देखते ही नहीं हम। अच्छा, नहीं मान लो कि कोई बंदा नहीं आना चाह रहा, उसके बाद आप ट्रांसफर करा दोगे बैंक, अगर आपको वो पैसे ट्रांसफर करे तो गाड़ी ट्रांसफर? ऑब्वियसली सर, पर आना तो पड़ेगा कस्टमर को, बिना कस्टमर को आए हुए कैसे काम होगा, साइन के लिए तो आना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, जो आपको व्यूअर हमारे देख रहे हैं कार केंद्र यूट्यूब चैनल के सभी व्यूअरों को, आप क्या बेस्ट से बेस्ट ऑफर देंगे आज की? आप उनके लिए कितना नेगोशिएट करेंगे, क्या ऑफर हो क्या होगा? देखिए हम नेगोशिएट तो बढ़िया कर देंगे आपके कहने पे, आपके चैनल के माध्यम से जो भी आएगा उनको बढ़िया डिस्काउंट देंगे, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार तक का भी डिस्काउंट देंगे। हमारी गाड़ी जो भी होती है पर नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी होती है, जेन्युइन चली होती है। बाकी सारे व्यूअर्स को अपनी गाड़ी आए देखिए, कुछ चेक करवाइए, अपनी सेटिस्फेक्शन कीजिए, तब गाड़ी लीजिए। तो ब्रदर जो इन्होंने बोला है ना वो एक नंबर सच बोला। और एक चीज़ और बता दीजिए भैया, जो आप कार लोन फैसिलिटी कराते हैं वो कितने परसेंट से होती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है सभी लोगों के मन में कि हमें कितने परसेंट जमा करना पड़ेगा। सर देखिए डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल पे, अगर कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी इनकम है तो हम उनको 100% फंडिंग भी दे देंगे। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए या फिर NCR एरिया के लिए होता है? ऑल ओवर NCR। अच्छा, ऑल ओवर NCR। तो चलिए कौन सी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे? आइए, ये होंडा सिटी है, 2015 मॉडल है, डीजल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है UP16, VIP नंबर है 1212। अच्छा, VIP नंबर मिल जाता है, साथ ही UP16 नंबर रजिस्टर्ड है, UP16 AY 1212 नंबर। इंटीरियर की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन इंटीरियर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में सब कुछ ऑलरेडी देख लिया है। मैं आपके लिए वही कार लेकर के आता हूँ जो पहले मैं खुद एनालाइज करता हूँ, उसके बाद में मार्केट में कोई कार आपके लिए आती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी YouTube फैमिली वालों के लिए मैं कोई भी चीज़ गलत प्रोवाइड करूँ या अच्छी नॉलेज ना दूँ, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ आप मुझे पकड़ेंगे। सो ब्रदर ने पहले ही बता दिया आज उनके पास कलेक्शन जो होने वाला है 1 लाख से 20 लाख का होने वाला है। सो ब्रदर इसका फ्यूल टाइप डीजल है और प्राइस कितना है इसका? इसके कस्टमर डिमांड है 5,75,000। अच्छा, पर आपके आने से हम इसमें कम से कम 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे देंगे। तो इसका जो भाई आस्किंग प्राइस है 5,75,000 रुपए है और ब्रदर इन्होंने बोल दिया है कि ये 25,000 रुपए नेगोशिएट कर रहे हैं। तो भाई आज ही अपने 25,000 रुपए बचा लो और भाई खरीद लो होंडा सिटी गाड़ी को, ठीक है? चलिए अगली गाड़ी पे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली गाड़ी की। अगली गाड़ी है 2016 मॉडल सियाज, ZDI है, टॉप मॉडल है, UP14 फर्स्ट ओनर, कंडीशन आप देख सकते हैं बढ़िया कंडीशन की गाड़ी है और जो इसकी डिमांड है वो 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए। और ये जो है इसका नंबर प्लेट थोड़ा पुरानी सी लग रही है, नई वाली? सही, ये एक्चुअली इसकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनने दी हुई है, वो कंपनी में आएगी, क्योंकि आजकल बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी रजिस्टर नहीं हो रही। ओरिजिनल कलर है सारा इसका? हाँ जी हाँ जी। एक आधा पीस पेंट होगा, देखो टचिंग तो चलती है, पर गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, जेन्युइन गाड़ी है। और इसपे इंश्योरेंस अभी वैलिड है या फिर नहीं है? इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, कल ही खत्म हुआ है इंश्योरेंस, कल खत्म हुआ है। तो थर्ड पार्टी यानी कि आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। वैसे भी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सभी को कि भाई अगर आप गाड़ी अपने नाम कराते हो, वैसा इंश्योरेंस 2022 तक का हो, 23 तक का हो, जब भी आप अपने गाड़ी नाम कराएंगे इंश्योरेंस तो आपको इजीली कराना ही पड़ेगा। और ये आपको अच्छी सलाह दे देंगे जब आप यहाँ आएंगे, मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या काम करना है। तो इसका प्राइस कितना है?
आपको बताया 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए हमारे लिए कितने की होगी, जो हमारे फैमिली वाले बंदे आएंगे उनके लिए कितने की होगी? भी चलो मैं आपको 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है भाई, इस पे 25,000 रुपए नेगोशिएट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर, बात कर लेते हैं फोर्ड की इको स्पोर्ट टॉप मॉडल टाइटेनियम के बारे में। पुश बटन स्टार्ट है, ये पुश बटन स्टार्ट है यार। UP14 है, पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, ओरिजिनल गाड़ी है, 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और बात करी जाए अगर पेंट वेंट की या बोनट, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, पूरी गाड़ी। अच्छा ब्रदर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे फोर्ड इंडिया से गई है, इंडिया से बंद हो गई है, उसके बाद में आपका क्या ओपिनियन है कि इसके स्पेयर पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल होंगे? अभी देखिए, फोर्ड कंपनी 5 साल का तो टाई अप है, जो अभी सर्विस सेंटर पूरे सर्विस करेंगे। अच्छा, अच्छा। और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, आपको पता फोर्ड हमारे शुरू से गाड़ी रही है, बचपन से आप देखते आ रहे हो, एंडेवर होगी, चाहे फोर्ड पीगो होगी, चाहे फोर्ड इको स्पोर्ट होगी, मजबूत गाड़ी है, लोग बहुत पसंद करते हैं, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी की परफॉर्मेंस। एक चीज और, फोर्ड की सभी गाड़ियाँ वैल्यू फॉर मनी थी और हैं और रहेंगी भी, लेकिन अब बात सिर्फ इतनी आ जाती है, लोगों के मन में नेगेटिव थिंकिंग जब आ जाती है, देखिए भाई सख्त का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं, फोर्ड के यहाँ पे गाज़ियाबाद में कितने ही शोरूम अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके कोई भी एंडेवर हो, फ्यूगो हो या फिर आपकी इको स्पोर्ट हो, कोई भी गाड़ी ले जाइए, सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और इसके पार्ट भी आसानी से मिल जाते हैं आपके पास। हाँ, इसका प्राइस क्या होगा हमारे लिए? तो इसके 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए बिल्कुल निचोड़ के साथ बता दीजिए जो बंदे देख रहे हैं। बॉन्ज चल रहा है 25,000 रुपए, इसमें भी कम 25,000 रुपए भाई, तीन तीन गाड़ियों पे 25,000 रुपए कम हो गया, तो तीन गाड़ियों पे 25,000 रुपए कम ऑफर है आपके लिए। चलिए अगली गाड़ी में बढ़ते हैं, विटारा ब्रेजा है व्हाइट कलर की, बहुत ज्यादा प्यारी कंडीशन की है, और साथ में देख सकते हैं आपको DRL फॉग लैम्प सब कुछ टॉप एंड मॉडल है, टॉप मॉडल मिल जाती है आपको। ये 2018 दिसंबर की गाड़ी है, डीजल। अच्छा 2018 दिसंबर की गाड़ी है, ओनरशिप की अगर बात करें फर्स्ट ओनर है, सिर्फ 49,000 चलिए विद सर्विस रिकॉर्ड। और अगर बात करी जाए एक्सीडेंट वगैरह की, तो गाड़ी एक्सीडेंट हमारा कोई बिकती नहीं है। अच्छा अच्छा, सारी गाड़ी जेन्युइन है। तो भाई फाइनली इसके प्राइस की बात बता दीजिए, प्राइस कितने में देने वाले हैं आप इस गाड़ी को? इसका जो प्राइस होने वाला है 8,40,000 रुपए। भाई सुन लो, 8,40,000 रुपए में 2018 की टॉप मॉडल गाड़ी, दिसंबर 19 ही मान लो भाई, टॉप मॉडल गाड़ी मिल रही है, कहीं नहीं मिलने वाली, ऑल ओवर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इस प्राइस में अगर कोई गाड़ी दे दे वीडियो बनानी आज ही बंद कर दूंगा। तो चलिए अगली गाड़ी पे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 7 सीटर की ऐसी गाड़ी की, टोयोटा की इनोवा, जिसका जज्बा इंडिया के अंदर बहुत तगड़े तरह से कायम है। सो भाई अगर 7 सीटर गाड़ी जो मेरे भाई परचेस करना चाहते हैं, वो वीडियो को यहां से बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आगे और भी कलेक्शन है वीडियो में, तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा डीपली से। तो चलिए इनोवा के बारे में बात कर लेते हैं, भैया एक फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है? सर ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मैंने सारी गाड़ियां फर्स्ट ओनर मिलेंगी। अच्छा अच्छा। 2013 मॉडल है, 2.5G मॉडल है, और गाड़ी का नंबर दिल्ली नंबर है, और इसकी जो डिमांड है 6.5 लाख रुपए, और इसका प्राइस 6.5 लाख रुपए, और 25,000 रुपए इसमें भी कम हो जाएगा, तो 6,25,000 रुपए प्राइस है। और जब आप आओगे भाई तो ऑन टेबल थोड़ा बहुत निचोड़ तो हो ही जाएगा, मान सम्मान की अगर बात आ जाती है थोड़ा बहुत ब्रदर कर ही देंगे। तो चलिए एक नई सी गाड़ी दिख रही है मुझे, चमचमाती हुई सी मारुति सुजुकी की, ये कौन सी गाड़ी है? एस क्रॉस, ठीक है, इसके बारे में? पुश बटन स्टार्ट है, इसके अंदर हाइब्रिड इंजन है, गाड़ी के अंदर लेदर सीट कवर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फुल इंश्योर्ड है पूरे 1 साल तक। अच्छा, जुलाई 2000 और एसेसरीज की अगर बात करी जाए, अलॉय इसमें लगवाए हैं? सही, कंपनी फिटेड है, इसमें कुछ लगवाया नहीं, सब कुछ कंपनी फिटेड है। पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी के अंदर, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ है। और अगर इसके फाइनली प्राइस की बात करी जाए, प्राइस इसकी नई गाड़ी की कीमत है 13 लाख रुपए, ये मात्र 3-3.5 साल पुरानी है, आप गेस कीजिए क्या प्राइस होनी चाहिए? 13 लाख की न्यू है और 3 साल पुरानी है, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका प्राइस कितना होना चाहिए। देखो हमें इतना अंदाजा नहीं है, नहीं हम बता सकते, लेकिन आप जरूर बताना। सो भैया आप इसका प्राइस बता दीजिए कितना होने वाला है, जो हमें बंदे देख रहे हैं, गेस कीजिए कितना होना चाहिए इसका प्राइस? 13 लाख रुपए नई गाड़ी, आप 3 साल में कितने घटाएंगे? लगभग 8-8.5 लाख रुपए। आपकी गाड़ी 7.5 लाख रुपए में दे दूंगा, ये गाड़ी 7.5 लाख रुपए में मिल जाए, और उसमें भी आपको मान सम्मान जरूर होगा ऑन टेबल जब आप आएंगे। सारी गाड़ियों पे ऑफर चल रहा है, और भैया इस पे भी एक छोटा सा ऑफर जरूर दे दो, इस पे क्या होगा? सर इसमें मैंने पहले ही आपको कम से कम दिया है 7.5 लाख रुपए। अच्छा। चलो अपर आप आते हो तो 7.25 की दे दूंगा, 7.25 में ये हो जाएगी। अगली गाड़ी पे चलते हैं। सो अगली गाड़ी पे आ चुके हैं, अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी, जो कि 2015 मॉडल नंबर की, और गाड़ी की कंडीशन बहुत ज्यादा प्यारी है। इंटीरियर की अगर बात करें, इंटीरियर बहुत ज्यादा नीट और क्लीन मिल जाता है, और बाकी डिटेल हम भैया से पूछ लेते हैं। तो भैया बता दीजिए इसके बारे में जो अभी। ये 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, VDI गाड़ी है, डीजल पे। गाड़ी के अंदर कस्टमर ने बकेट सीट कवर, आप
देख सकते हैं टैंक अलग की स्टिचिंग सब कुछ अलॉय व्लॉय सब लगवा रखे हैं, अलॉय वगैरह आउट ऑफ कंपनी लगा रखे हैं और मार्केट से लगाए हुए हैं। बाकी गाइस काफी ज्यादा एक्सेसरीज आपको इस गाड़ी में देखने मिल जाती है। सो फाइनली चलते हैं अगली गाड़ी पे, उससे पहले इसका प्राइस एक बार बता। 4.5 लाख रुपए डिमांड है, पर आपके लिए ये जो आए तो आज ऑफर निकाल दिया है 25,000 रुपए कम, 4,25,000 ये फिर मिल जाती है। 4,25,000 रुपए की हर गाड़ी पे आपको ऑफर मिल रहा है 25,000 रुपए का। सो गाइस चलिए चलते हैं कैसी गाड़ी पे जिसका इंडिया के अंदर जज्बा इतना तकड़ा तरह से कायम है कि हर बंदा जब भी कोई पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी परचेस करने चलता है तो उस गाड़ी के बारे में एक बार जरूर सोचता है कि मैं वो गाड़ी परचेस करूं। सो फाइनली गाइस हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की वैगन आर गाड़ी के बारे में जो कंपनी फिटेड सीएनजी है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीएनजी गाड़ी की और भैया से डिटेल ले लेते हैं। तो 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 52,000 चली हुई है, वाइट कलर है। गाड़ी की जो डिमांड है 3.5 लाख रुपए, पर सर आया सर के लिए मैं 3,25,000 रुपए की दे। ये लो भाई हर जगह निचोड़ हो रहा है 3,25,000 रुपए में। अगर इस दाम में भाई 2015 मॉडल कोई दे देना कंपनी सीएनजी तो तब बोलना भाई, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे बता देना। अगर ऑल ओवर इंडिया में इस रेट में यूपी नंबर गाड़ी मिल जाए तो तब की बात है। और सबसे बड़ी बात, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी, कंपनी सीएनजी है। और सामने देखिए जैगवार वाला जो फील आता है ना वो अलग ही लेवल का आता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे जैगवार वाला फील है, लेकिन इसमें आपको करना थोड़ा सा कुछ इतना है कि आपको एक इसमें सीएनजी डलवानी और चलाना, एक रुपये लगाने की नीड तो है ही नहीं। साथ ही बता दूं यूपी 14 नंबर की जो नंबर प्लेट है वो आपको चेंज करानी पड़ेगी, देखिए क्योंकि जिसके नंबर प्लेट बनने की भी आएगी। अच्छा अच्छा, तो चलिए अगली गाड़ी पे चलते हैं और बात कर लेते हैं हुंडई की i20 गाड़ी के बारे में जो कि 2010 मॉडल है सीएनजी। अच्छा 2010 मॉडल है सीएनजी, तो इसका ओनरशिप वगैरह फर्स्ट ओनर है और फ्यूल टाइप इसका पेट्रोल प्लस सीएनजी। एक और सीएनजी गाड़ी आ चुकी है, तो जो मेरे भाई चाहते हैं कि वो एक ऐसी गाड़ी परचेस करें जिसमें वो कुछ रुपए लगा करके या फिर कुछ पैसे जमा करके गाड़ी ले जाएं, उसे भाड़े में लगाएं, अच्छी खासी मोटी इनकम कमाएं, तो उनके लिए इससे बेस्ट ऑफर या फिर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप इसे ले जाइए और जहां से भी हैं आप वहां इसे भाड़े में लगा सकते हैं, अच्छी खासी मोटी रकम कमा सकते हैं। सो ब्रदर इसका प्राइस कितना होने वाला है? 3,00,000 रुपए ये नेगोशिएबल प्राइस है। हां जी, हां जी। अच्छा ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं। ये कौन सी गाड़ी है? ये फोर्ड फिगो डीजल 2012। फोर्ड की फिगो गाड़ी पे मॉडल नंबर 2012 है इसका, और फोर्ड के बारे में भैया ने पहले ही बता चुका दिया है, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। एक्सीडेंट की अगर बात की जाए? नॉन एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। अच्छा, प्रिंट वेंट कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया है। इसमें देखिए अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, सीट कलर से लेकर के सब कुछ अच्छी कंडीशन में। इंटीरियर इसका बहुत ज्यादा नीट और क्लीन है, बहुत प्यारी कंडीशन की गाड़ी है, ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको मिल जाता है। चलिए पढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ जिसने स्टार्टिंग में इंडिया में आने के बाद धुआंधार भाई अपना जज्बा जमा दिया था। तो आ चुके हैं देखिए मारुति सुजुकी की अल्टो गाड़ी पे। तो भैया डिटेल बताइए इसकी। 2008 मॉडल है ये, आपको जो आपने स्टार्टिंग में बोले थे कितने की? 1,00,000 रुपए गाड़ी, 90,000 रुपए की हम दे देंगे आपको। अच्छा, 1,00,000 रुपए की बोली थी, 90,000 रुपए की गाड़ी मिल जाएगी। 90,000 रुपए की अगर ढंग की सी बाइक लेने जाओ ना तो नहीं मिलेगी। और उसके बाद भी आपको एक चीज बता दूं, बाइक चाहे आप 1,00,000 की लो चाहे 10,00,000 की, सेफ्टी स्टार रेटिंग डाउन हो जाती है 0, क्योंकि बाइक से इंडिया के अंदर आए दिन हजारों एक्सीडेंट होते हैं जिनमें से लगभग 95% लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये बात फैक्ट है गाइज। और मैं आपको बता दूं अगर आप बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं या परचेस करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सो गाइज प्लीज इसी तरह की जैसे हमारे ये भाई हैं ऐसे बहुत सारे भाइयों का मैंने ब्लॉग डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप अपने बजट में सस्ती सी गाड़ी कोई चूज़ करना, पैसा नहीं है, कार लोन फैसिलिटी भाई के पास अवेलेबल है, आप आओ। मेरा ओपिनियन यही है कि आप कार खरीदो, स्टार रेटिंग सेफ्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात, इसमें 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, 4-5 बंदे। तो इसके प्राइस आपको बता दिया 90,000 रुपये। अगली गाड़ी पे बढ़ते हैं, महिंद्रा की KUV100 गाड़ी है, इसकी डिटेल बता दीजिए भैया। 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और ये 6-सीटर गाड़ी है। आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन वाइज तो यार बहुत ज्यादा प्यारी कंडीशन की गाड़ी है। देखिए देखने में लगता है DRL वगैरह है, हैलोजन लाइट है, लेकिन इसके अंदर मैं सोच रहा था कि प्रोजेक्टर लैंप मिलेंगे, और इसके अंदर आपको जो फोग लैंप होते हैं वो भी नहीं मिलते। बाकी गाइस गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी कंडीशन की है। सो जो मेरे भाई इनमें से कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप सिंपली भाई से बात करना और बार्गेनिंग करके गाड़ी परचेस कर लेना बस। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी करके इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।